हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो रीकैप सीरीज में आज हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का 5वां लेक्चर। उम्मीद है आपको रे ऑप्टिक्स की रीकैप सीरीज पसंद आई होगी, और ये भी उम्मीद है कि इससे आपको अपने रिवीजन में मदद मिली होगी। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लें। अब देखिए, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडिया आर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहले मीडियम में है वेलोसिटी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरे मीडियम में वेलोसिटी है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिस्पेक्टिवली द क्रिटिकल एंगल फॉर दीज मीडिया इज। तो देखिए, सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो डेंसर मीडियम में जो वेलोसिटी है लाइट रे की, वो होनी चाहिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रेयरर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख सकते हैं। डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिख सकते हैं C/वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम। तो यहां से हम μD को कैलकुलेट कर लेंगे। C/ डेंसर मीडियम वेलोसिटी है 2 × 10⁸, और C आप जानते हो कितना होता है, 3 × 10⁸, 2 × 10⁸, तो ये कैंसिल हो गया। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना आया, 3/2। अब हम रेयरर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं डेफिनेशन से। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम C/ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, ये है आपकी 3 × 10⁸, ये है 2.5 × 10⁸, ये तो कैंसिल हो गया। तो 3/2.5, 30/25, 5 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना आया, 6/5। अब हमें डेंसर का भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मालूम है, 3/2, रेयरर का भी मालूम है। अब हम जानते हैं म्यू इक्वल टू क्या होता है, 1/sin C। पर म्यू किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, जब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो यहाँ म्यू का मतलब है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। तो इस म्यू को हम लिखेंगे म्यू डेंसर रेयरर 1/sin C, और आर म्यू डी को अब हमने लिखा 1/sin C, तो आर म्यू डी को हम लिखेंगे म्यू डी अपॉन म्यू आर इक्वल टू 1/sin C। वैल्यू पुट कर देते हैं डेंसर मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से, हमारे पास 3/2, इसका है 6/5, तो यहाँ हमें अब 1/sin C मिल जाएगा। तो ये हो गया 3/2 × 5/6, तो ये देखिए कट गया 2, तो कितना आ गया, 5/4 इक्वल टू 1/sin C, 5/4 इक्वल टू 1/sin C। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो 5/4 है आपका 1/sin C, पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 4/5 इक्वल टू साइन सी। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन सी इक्वल टू 4/5, सी इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, तो ये आपके क्रिटिकल एंगल का आंसर होना चाहिए, साइन इनवर्स 4/5, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। तो पहले रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है, उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है म्यू इक्वल टू 1/sin C, और इस फॉर्मूले में म्यू का मतलब होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, ये नोट कर लें आप, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और कंसेप्चुअल है।
A ray of light is incident on a glass plate. The light ray travels a distance of 5 centimeter inside the glass plate before emerging out of the glass plate. तो ग्लास प्लेट से बाहर निकलने से पहले वो ग्लास प्लेट के अंदर लाइट रे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 5 सेंटीमीटर. इंसिडेंट रे सफर्स अ डिविएशन ऑफ 30 डिग्री. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट रे इज, चार आंसर, पहला 5 सेंटीमीटर, दूसरा 2.5 सेंटीमीटर, तीसरा 7.5 सेंटीमीटर, चौथा 10 सेंटीमीटर. तो बहुत अच्छा सवाल है, इसको करते हैं. अब आप देखिए, यह हम एक ग्लास प्लेट बना लेते हैं. यह हमारी ग्लास प्लेट हमने बना ली और लाइट रे अब देखिए ऐसे आई. यहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, थोड़ा टर्न हो जाएगी. अब देखिए, अगर ये ग्लास प्लेट नहीं होती तो लाइट रे कैसे जाती? सीधे जाती. कैसे जाती? सीधे जाती. तो पहली चीज ये हो गई. दूसरी चीज हो गई कि अब ये देखिए, ये है आपकी इंसिडेंट रे और ये है आपकी रिफ्रेक्टेड रे. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया है. तो चलिए उसको भी अब निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को. तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. ये हमने ड्रॉ करा परपेंडिकुलर. तो हमसे ये पूछा गया, ये डिस्टेंस बता दीजिए. तो देखिए, ये क्लियरली दिख रहा है कि ये डिविएशन हो रहा है. लाइट रे पहले ऐसे जा रही थी और ग्लास प्लेट के कारण मुड़ गई. तो उसका डिविएशन हमें बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डिविएशन कितना होगा, 30 डिग्री. और ये हमें पूछा गया है और हमें ये कहा गया कि लाइट रे ग्लास के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है. तो ये ट्रायंगल आप देखिए. अब चलिए मैं इसको नाम दे देता हूं, ए बी सी. तो ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में एंगल के सामने क्या चीज है? तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई? डी. और हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस हो गया कितना हो गया? ए सी. तो साइन 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. परपेंडिकुलर हो गया डी. ए सी हमें दिया हुआ है कि कितना चलती है, 5 सेंटीमीटर. तो यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी 5/2 सेंटीमीटर. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रेज विल बी 5/2, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर. ये ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं. ये रही आपकी इमरजेंट रे, क्योंकि आप जानते हैं कि इमरजेंट रे हमेशा इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है. तो इनके बीच में पर, और ये कौन सी रे हो गई? आपकी इंसिडेंट रे. बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल है, कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा. अगर आपके पास कंसेप्ट है तभी आप इस सवाल को कर सकते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2.5 सेंटीमीटर है. तो ये रहा आपका सेकंड आंसर, इज द राइट आंसर. इसको ध्यानपूर्वक करिए, आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ. ये रहा हमारा अगला सवाल. ये सिंपल सवाल है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए. अ सिमेट्रिकल बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज कट इनटू 4 identical pieces अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एंड टू द परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ 4 pieces इज. तो देखिए, अब ये हमारे पास एक लेंस है, हम इसके 4 टुकड़े कर रहे हैं. तो मान लीजिए इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, एफ. तो सबसे पहले हम ऐसे काट देते हैं तो हमें कितने लेंस मिलेंगे? 2 लेंस मिलेंगे. ये हमें 2 लेंस मिल गए.
तो पैरेलल कटिंग में फोकल लेंथ की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब इन दोनों लेंसेस को हम यहां से काट देते हैं। ये देखिए, ये दो हिस्से हमने और कर दिए। तो अब हमें कितने लेंस मिल गए? चार लेंस मिल गए। एक तो ये मिल गया और दूसरा ये मिल गया और तीसरा, और ये रहा हमारा चौथा लेंस। तो हमने कितने पीसेस कर दिए? तो परपेंडिकुलर कटिंग में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? आधी। इसकी भी एफ बाय टू, इसकी भी एफ बाय टू, और इसकी भी एफ बाय टू, और इसकी भी एफ बाय टू। पैरेलल कटिंग में किसी भी तरह की फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि चारों पीसेस की फोकल लेंथ कितनी होगी, तो हम बोलेंगे इसका आंसर कितना होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए इसका एफ बाय टू। तो यहां दिया नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सुधार लीजिए, इसको कर लीजिए एफ बाय टू। तो करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए? एफ बाय टू होना चाहिए, क्योंकि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट किया तो इसमें कोई फोकल लेंथ में बदलाव नहीं होता है। परपेंडिकुलर कट किया तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? एफ बाय टू। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये गलत मिसप्रिंट है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए एफ बाय टू। कन्फर्म्ड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करें। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सर्फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, देन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंसेस। चार आंसर दिए गए। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं। तो ये हमारा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसका ये जो पहला सरफेस है, प्लेन होने के कारण इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? इन्फिनिटी। और दूसरे सरफेस की रेडियस हमने मान ली कितनी है? -r। तो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला है, 1/f = μ-1 × 1/r1 − 1/r2। पहले वैल्यूज रखेंगे, और ये है 1/∞ और ये है -r। तो देखिए, फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया μ-1 × 1/r। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है? r × μ-1। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए। ये है हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका फॉर्मूला आपको हमेशा क्या रखना चाहिए? याद रखना चाहिए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो f = हमने फॉर्मूला बना लिया r/μ-1। तो देखिए, फोकल लेंथ कितनी दी गई है? 30 रख दी। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी गई है? 10 रख दिया। 10 30 को कितनी बार काट देगा? 3 बार काट देगा। तो हमें मिला 3 = 1/μ-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 × μ-1 = 1, 3μ-3 = 1, 3μ = 4। तो म्यू कितना आ जाएगा? 4/3। 4/3 को हम लिख सकते हैं 1.33। तो ये करेक्ट आंसर है, 1.33। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ऐसे सवालों को आप 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका सवाल, अब आपका ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट करिए। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। तो ए दिया हुआ है 30 डिग्री। द रे इंसिडेंट एट 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 60 डिग्री। एट वन रिफ्रैक्टिंग फेस सफर्स अ डिविएशन ऑफ 30 डिग्री, तो डेल्टा दिया हुआ है 30 डिग्री। एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछा है, क्या पूछा है? ई। तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा इक्वल टू
आई प्लस ई 30, डेल्टा नहीं मालूम 60, और डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रखना है। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 60 इक्वल टू 60 प्लस ई, तो ई इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां मैं थोड़ा आपको आंसर के अलावा कुछ और चीजें बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में हुआ क्या था और कैसे ये बनता है क्वेश्चन। ये आपका प्रिज्म हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 डिग्री है, तो इसका मतलब है लाइट रे सेकंड फेज से कितने एंगल पर जा रही है, 90 डिग्री पर। ई भी 0 है और आर टू भी 0 है, तो ये थोड़ा आप याद रखिए। इस तरह से आपका ये डायग्राम बनेगा और ये होगा आर वन, आर वन इक्वल टू ए, क्योंकि आप जानते हैं ए इक्वल टू क्या होता है, आर वन प्लस आर टू, और आर टू तो 0 है इसलिए ए इक्वल टू आर वन। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी लाइट रे प्रिज्म के सेकंड फेज से 90 डिग्री पर इमर्ज करे, तो ऐसे केसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हालांकि हमसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, म्यू भी पूछ सकते थे, साइन आई अपॉन साइन ए, इसको आपको याद रखना चाहिए। तो यह इसकी डायग्रामेटिक कंडीशन थी जो आपको बता दी गई। अब आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर ले। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, अब देखिए ये पूछा गया है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री, आई इक्वल टू 60 डिग्री, प्रिज्म ऑफ रिफ्रेक्टिंग एंगल 30 डिग्री, द इमर्जिंग रे इज एट एंगल 60 डिग्री विद इंसिडेंट रे। देखिए अब इस लैंग्वेज की वैल्यू है, तो हमेशा याद रखिए इमर्जेंस रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है, हम उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ये दिया हुआ 30 डिग्री। द वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ द प्रिज्म, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा था, यहीं पर ये क्वेश्चन आ गया, ए प्लस डेल्टा इज आई प्लस ई 60, डेल्टा 30, और ए प्लस डेल्टा, अच्छा प्रिज्म का एंगल 30 डिग्री है तो मुझे 60 डिग्री नहीं लेना चाहिए, प्रिज्म का एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 लिखा, डेल्टा भी कितना है 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री लिखा, आई दिया हुआ है 60 डिग्री, 60, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या आ गया, 0 आ गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 आ गया। तो केस ऐसे बनेगा, अगर एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 है तो आर टू भी क्या होगा, 0 होगा, ये आपकी लाइट रे ऐसे आ गई, ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है आर वन, ये दिया हुआ है ए। तो हम जानते हैं ए इक्वल टू क्या होता है, आर वन प्लस आर टू, आर टू तो 0 है तो ए किसके बराबर आ गया, आर वन, ए दिया हुआ है 30, तो आर वन की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब म्यू निकालना बहुत आसान है, म्यू होगा साइन आई बाय साइन आर वन, तो ये हो गया साइन 60 अपॉन साइन 30, तो म्यू कितना हो गया, साइन 60 अपॉन साइन 30, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1/2 कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू जो आएगी आपकी कितनी आएगी, √3 आएगी। तो अगर आपका थ्योरी पे पकड़ अच्छी है, थ्योरी पे अगर आपकी ग्रिप अच्छी है, तो आप हर सवाल को 1 मिनट के अंदर बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो इसका आंसर है म्यू इक्वल टू √3, थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये अगर 0 होगा तो आर टू भी क्या होगा, 0 होगा, प्रिज्म की ज्योमेट्री से आपको भली भांति परिचित होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करिए,
द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दैट कैन बी ऑब्टेंड विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन इज 25 सेंटीमीटर। पहली बात, ये सवाल एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस पर बेस्ड है, तो ये क्या है हमारा, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन की दो वैल्यू होती है, एक होती है डी बाय एफ और एक होती है वन प्लस डी बाय एफ। डी बाय एफ कब होता है, जब इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है, और वन प्लस डी बाय एफ कब होता है, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन पे बनती है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम पूछा है। तो अब ये देखिए, इसी स्लाइड पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है। एम इक्वल टू वन प्लस डी बाय एफ, डी दिया हुआ है 25, ये दिया हुआ है 2.5, तो एम इक्वल टू 1 प्लस 10। तो इसका जो आंसर होगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना होगा, 11। द फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लें। द रेडी ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सर्फेसेस ऑफ लेंस आर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5। इफ द लेंस इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, चार आंसर है, 24 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो देखिए, सबसे पहली बात कि लेंस कैसा है, कॉनकेवो, कॉनकेवो, और राइट साइड से भी क्या, कॉन्वेक्स। अब पहले की रेडियस दी गई है, देख लेते हैं एक बार फिर, 20 सेंटीमीटर माइनस 20, और दूसरे की दी गई है रेडियस माइनस 30, और म्यू दिया हुआ है 1.5। तो लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू दिया हुआ है आपका 1.5 माइनस 1, r1 दिया हुआ है माइनस 20 और r2 दिया हुआ है माइनस 30। तो ये हो जाएगा आपका 0.5 इंटू माइनस 1/20 प्लस 1/30। 0.5 को हम लिखेंगे 1/2, और थोड़ा इसको ऐसे लिखिए, 1/30 माइनस 1/20। अब एलसीएम लेंगे और 30 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, 30 इंटू 2 60 माइनस 3। तो ये हो गया आपका 1/f इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस 1/60। तो f इक्वल टू माइनस 120 सेंटीमीटर, ये इसकी फोकल लेंथ होगी। थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। और देखिए, इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं, पहली रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी थी, 20, और दूसरी कितनी थी, 30 थी। तो ये हमने बिल्कुल सही लिया है, ये r1 हो गया और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई r2, दोनों लेफ्ट हैंड साइड पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 120 सेंटीमीटर। ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल संदेह की कोई बात नहीं है। अब आगे ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट करिए। द मैग्निफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर रिलैक्स विजन इज 16 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस इज 34 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस विल बी रेस्पेक्टिवली। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि रिलैक्स विजन क्या होता है। रिलैक्स विजन का मतलब होता है इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज इज
फॉर्म डेट इन्फिनिटी, ऐसे केसेस में मैग्नीफाइंग पावर होगी एफ ओ अपॉन एफ ई, और लेंथ ऑफ ट्यूब होगी एफ ओ प्लस एफ ई. मैग्नीफाइंग पावर है 16 और लेंथ ऑफ ट्यूब दी गई है 34. तो ये आपके दो इक्वेशन बन गए. अब इन दोनों इक्वेशन से हमें एफ और एफ ई को कैलकुलेट करना है, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. 16 इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई, तो 16 एफ ई इक्वल टू एफ ओ, ये पहला हो गया. और 34 इक्वल टू दिया हुआ है एफ ओ प्लस एफ ई, यहाँ पर एफ ओ की ये वैल्यू रख देंगे, कितनी है 16 एफ ई प्लस एफ ई, तो 34 इक्वल टू 17 एफ ई, तो 34 बाय 17 इक्वल टू एफ ई, तो एफ ई हो गया 2. एफ ई कितना हो गया, 2 हो गया. अब एफ ओ 16 एफ ई है और एफ ई आप निकाल चुके हैं 2, तो 16 इंटू 2, तो एफ ओ की वैल्यू कितनी होगी 32 होगी, और एफ ई की वैल्यू कितनी होगी 2. 32 एंड 2, तो ये तीसरे आंसर को आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं. सीधा सीधा सवाल था, सिंपल था, पर इंपॉर्टेंट है. पेपर भी सिंपल आता है, ये आप जानते हैं, सिंपल को भी करना मुश्किल होता है. पेपर में बहुत सारे फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है. अब आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसको नोट कर लें. ओके, तो नोट कर लिया आपने. अ कन्वर्जिंग लेंस मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है, अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, आर प्लेस कोएक्सियली. कोएक्सियली का मतलब है कि उनका एक्सिस क्या है, सेम है, एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट, और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी. इफ ए पैरेलल रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पे एक पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होती है, एंड इट इमर्जेस आउट ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस से जब ये बाहर निकलती है एज ए पैरेलल रे, पैरेलल रे की तरह बाहर निकलती है, देन द वैल्यू ऑफ डी विल बी. तो सीधी बात है कि हमसे ये पूछा गया कि दोनों लेंसेस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, जब लाइट रे पहले लेंस पर इंसिडेंट होती है पैरेलल, और जब दूसरे लेंस से बाहर निकलती है तो भी पैरेलल होती है, तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा. तो चलिए इसको करते हैं. अब देखिए, ये मान लीजिए आपका कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, ये लाइट रे पैरेलल है, और हम जानते हैं पैरेलल लाइट रे कहां से होकर जाती है, फोकस, तो लेंस के फोकस पर जाएगी, और इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया. अब हमने यहां रखा है कॉनकेव लेंस, कैसा लेंस, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस से निकलने के बाद भी ये लाइट रे, अब देखिए इसको बनाते हैं. ओके, अब देखिए थोड़ा बनाते हैं इसको ऐसे. और ये आई कॉनकेव लेंस पे और पैरेलल हो गई, ऐसा कुछ हुआ, तो डेफिनेटली ये जो आपका पॉइंट है ये कॉन्वेक्स लेंस का तो फोकस है, तो कॉन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो गया, और इस पॉइंट को हम फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस भी बोल सकते हैं, कॉनकेव लेंस, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि अगर एक लाइट रे कॉनकेव लेंस से फोकस से आ रही हो या आती हुई अपीयर हो, तो कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. तो ये डिस्टेंस आपका हो गया 5 सेंटीमीटर,
ये डिस्टेंस हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, तो लेंसेस के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? 20 माइनस 5 मतलब 15 सेंटीमीटर। यही पूछा था कि अगर कॉन्वेक्स लेंस पर एक लाइट रे आए और कॉनकेव लेंस से निकलने के बाद वो पैरेलल हो जाए तो उन लेंसों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? तो इसका आंसर है 15 सेंटीमीटर। तो इसके लिए मेरी आपको एडवाइस है कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के आपको फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस का अध्ययन स्टडी करना चाहिए, तभी आप ऐसे सवालों का जवाब दे पाएंगे। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर ले। थिन प्रिज्म डिविएट्स एन इंसिडेंट रे बाय 3.2 डिग्री। इफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज 2.6 देन एंगल ऑफ प्रिज्म इज। तो देखिए, डिविएशन बाय थिन प्रिज्म, हमेशा याद रखिए, डिविएशन बाय थिन प्रिज्म कैसे दिया जाता है? डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन। और थिन प्रिज्म का मतलब होता है कि उसका एंगल लेस देन 10 डिग्री हो, तो ऐसे प्रिज्म को हम थिन प्रिज्म कहते हैं। अब डिविएशन दिया हुआ है हमें कितना डिग्री? 3.2 डिग्री। और द रिफ्रेक्टिव प्रिज्म का एंगल नहीं दिया हुआ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2.6। तो ये हो गया 3.2 ए इंटू 1.6, 3.2 डिवाइडेड बाय 1.6 इज ए। तो प्रिज्म का एंगल कितने डिग्री का होगा? 2 डिग्री का होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला था, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। रिवीजन कर रहे हैं तो इस बार हमने ये कोशिश करी है कि क्वेश्चन सिंपल हो, मीडियम हो, टिपिकल हो, टफ हो, लेंथी हो, कम लेंथ का हो, लेकिन फॉर्मूला जो यूज हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसको जरूर रिवाइज किया जाए। आगे बढ़ते हैं अगले आंसर की क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लें। द फोकल लेंथ ऑफ ए बाय कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर। बाय का मतलब डबल कॉन्वेक्स लेंस, एंड इट्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज 1.5, तो म्यू दिया हुआ है 1.5। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सर्फेसेस ऑफ लेंस आर इन द रेशियो R1:2, 1:2, 1:2। तो अब रेशियो को हम ले सकते हैं, R1 को हम ले सकते हैं 1K, मान लीजिए ये K के बराबर है, और इसकी जरूरत नहीं है, रेशियो मेथड हम लगा देंगे। तो 1K हो गया, तो मतलब हो गया हमारा K, और R2 हो गया 2K। अब ठीक है, देन द लार्जर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, पहला आंसर 10 सेंटीमीटर, दूसरा आंसर 15 सेंटीमीटर, तीसरा आंसर 20 सेंटीमीटर, चौथा आंसर 30 सेंटीमीटर। तो करते हैं, सबसे पहले बाय कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। ये हमने बना लिया बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका पहला सरफेस और ये इसका दूसरा सरफेस, और ये है R1। तो R1 को हम ले सकते हैं प्लस के, क्योंकि राइट हैंड साइड पर है, और इसकी रेडियस हमें लेनी है R2, बाई तरफ है, इसलिए हम इसको ले सकते हैं -2K। म्यू दिया हुआ है आपका कितना? 1.5। अब फोकल लेंथ का फॉर्मूला, 1/F=μ-1 × 1/R1 − 1/R2। फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर, म्यू दिया हुआ है 1.5, R1 प्लस के हो गया और R2 हो गया -2K। तो यहां से हमें मिलेगा 1/2, 1.5 माइनस 1 कितना होगा? 0.5, और ये मिला हमें 1/K प्लस 1/2K। अब अगली स्टेप में देखिए, 0.5 को आप लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए 2K, 2 + 1, तो 2 से 10 20 कट गया 10, तो ये बचा 1/10 = 3/2,
थ्री अपॉन टू के, थ्री अपॉन टू के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वन बाय टेन इक्वल टू थ्री बाय टू के, वन बाय टेन इक्वल टू थ्री बाय टू के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, टू के इक्वल टू दस इंटू तीन तीस, तो के आ गया आपका पंद्रह, के कितना आ गया पंद्रह, तो आर वन आ गया क्योंकि वो के बराबर है पंद्रह, और आर टू आ गया टू के, तो कितना आ गया तीस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने दोनों निकाल ली, आर वन भी निकाल ली और आर टू भी निकाल ली, पर हमसे पूछा गया है कि बड़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, तो बड़ी कितनी होगी समझ में आता है, तीस पंद्रह से बड़ा है, तो बड़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, तीस होना चाहिए। तो ये रेशियो को ध्यान रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से और जल्दी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये रहा हमारा अगला सवाल, मिरर पर है, इसको नोट करें। ओके, अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेड placed at a distance of 10 centimeter and its real image is formed at a distance 20 centimeter from a concave mirror. If the object is moved by 0.1 centimeter towards the mirror, the image will shift by. तो इमेज की शिफ्टिंग पर बेस क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, यहां हमारे को हमारे कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो 10 सेंटीमीटर पर आपका एक ऑब्जेक्ट है, और इमेज कहाँ बन रही है उसकी, पॉइंट साइज इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर का, और रियल बन रही है इसलिए उसी तरफ बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट है। अब मिरर फॉर्मूला हम यूज करें, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं पहले, माइनस 10 क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर है, इमेज वो भी माइनस 10, एलसीएम 20, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री बाय 20, तो फोकल लेंथ आ गई माइनस 20/3। अब ऑब्जेक्ट को, अब कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ 0.1 सेंटीमीटर सरकाया जाता है, तो अभी ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर। अगर 0.1 सेंटीमीटर मिरर की तरफ सरकाएंगे तो ऑब्जेक्ट की नई पोजिशन क्या हो जाएगी, तो भाई सीधी बात है, ऑब्जेक्ट की जो नई पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी, पहले थी 10 पर, 10 सेंटीमीटर पर, अब 0.1 सरका दिया तो ये नई पोजीशन हो गई, तो अब ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पर हो गया, 9.9 सेंटीमीटर पर हो गया। तो अब इमेज कहाँ बनाएगा देखते हैं, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी, ये तो हम निकाल चुके हैं माइनस 20/3, अब नया यू का वैल्यू क्या है, माइनस 9.9, वी नहीं मालूम, वी डैश कर लेते हैं, ये हो गया माइनस 3/20, ये हो गया माइनस 10/99 प्लस वन अपॉन वी डैश, ये प्लस हो जाएगा 10/99 माइनस 3/20 इक्वल टू वन अपॉन वी डैश। अब एलसीएम लीजिए, 99 × 20 एक तरीका है, तो ये हो गया 200, ये हो गया 3 × 99 इक्वल टू वन अपॉन वी डैश। अब सॉल्व करेंगे, 200, 99 × 3 माइनस 297 अपॉन 99 × 20 इक्वल टू वन अपॉन वी डैश माइनस 97 अपॉन 99 × 20 इक्वल टू वन अपॉन वी डैश, तो वी डैश हो गया अब आपका माइनस 99 × 20 अपॉन 97 अपॉन 97। तो अब ये वी डैश किए, तो ये आपको अभी क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि 99 ये जो है 99, इसको हम 97 से डिवाइड कर लेते हैं,
1.02, तो वी डैश आ जाएगा माइनस 1.02 इंटू 20, तो वी डैश आ जाएगा आपका, ये आपका मल्टीप्लाई कर दिया 2040, 20.40, 20.40। तो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, 20 पे था, अब कितना हो गया, 20.40। नई पोजीशन क्या हो गई ऑब्जेक्ट की, देखिए 20.40। तो पहले क्या था, पहले था 20 पर, तो अब इमेज सरक जाएगी, कितना सरक जाएगी समझ में आता है देखकर, इमेज कितना सरक जाएगी, 0.4 सेंटीमीटर सरक जाएगी मिरर से दूर, 0.4 सेंटीमीटर सरक जाएगी मिरर से दूर। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। अभी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो 99 वगैरह तो कोई सॉल्व करेगा नहीं, है ना, तो ये इसको इस तरह से हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। और ये रहा हमारा अगला सवाल, ये देखिए इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन रीड करते हैं। अ वर्चुअल इमेज थ्री टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल बनी है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, याद रखो। इज ऑब्टेंड विद ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, नहीं दी गई है तो इसको सुधारिए, ये होना चाहिए 36 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, पहला आंसर 5 सेंटीमीटर, दूसरा आंसर 12 सेंटीमीटर, तीसरा 10 सेंटीमीटर, चौथा 20 सेंटीमीटर। हाँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी गई है, 36, और कॉनकेव मिरर के लिए ये नेगेटिव होती है, तो 36/2 r/2 लगा दिया, तो मिरर की फोकल लेंथ आ गई -18। अब आप जानते हैं कि जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है -V/U, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, -3U। अब हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे और मिरर फॉर्मूले में V की जगह कितना लिख देंगे, -3U, तो U की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए मिरर फॉर्मूला हमने लगाया, 1/U + 1/V, ये हो गया -18 और ये हो गया -3U। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 3U, 3 - 1 कितना आ गया, 2/3U। तो 3U इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो देखिए यहां पर कैसे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1/-18 इक्वल टू 2/3U, तो 3U इक्वल टू -36, तो U इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है -12, दैट इज 12 सेंटीमीटर, क्योंकि जनरली ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेफ्ट में ही बनता है। आसान सवाल था, हमेशा एक चीज याद रखिए कि वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका बड़ा ध्यान हमें रखना है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये रहा हमारा अगला सवाल, डिस्प्लेसमेंट मेथड पर आधारित सवाल है, इसलिए आप इसको नोट करिए। ओके, आपने इसे नोट किया होगा, कॉन्वेक्स लेंस मेक्स अ रियल इमेज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन ए स्क्रीन। When the lens is shifted to a new position without disturbing the object, we again get a real image on the screen which is 16 centimeter tall. The length of the object must be. तो देखिए ये क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट मेथड पर बेस्ड है और इसके थोड़ा आंसर में सुधार करना चाहिए, ये 4 सेंटीमीटर की जगह आप इसको कर लीजिए 8 सेंटीमीटर। और हमेशा याद रखिए डिस्प्लेसमेंट में मेथड में ऑब्जेक्ट साइज होता है दो इमेज साइजेस का ज्योमेट्रिक मीन I1 × I2। सीधा सीधा सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, 16 × 4 = 64 का रूट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आंसर में मिसप्रिंट था, तो इसको आप सुधार लीजिए। डिस्प्लेसमेंट मेथड में आपको
कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं। एक लेंस को ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में दो पोजिशन पर रखा जाता है। कितनी पोजिशन पर रखा जाता है? दो पोजिशन पे। और ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, थोड़ा रिविजन कर रहे हैं इसका और कुछ आपको ट्रिक बता रहे हैं। और यहां पर ये स्क्रीन है और लेंस स्क्रीन पर इमेज बनाता है और ऑब्जेक्ट दो बार। तो पहली चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए, डी शुड बी ग्रेटर देन 4f। ऐसा तभी पॉसिबल है, लेंस की दो पोजीशन तभी पॉसिबल है जब डी लेंस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेंस की फोकल लेंथ के 4 टाइम से क्या हो, ज्यादा हो। दूसरी चीज, ये पहली पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये पहली पोजीशन के लिए इमेज डिस्टेंस। ये लेंस की पहली पोजीशन है, पहली पोजीशन में भी वो स्क्रीन पर इमेज बनाता है, दूसरी पोजीशन पर भी वो उसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाता है? स्क्रीन पे बनाता है। तो जब लेंस को पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट किया जाता है तो थ्योरी है कि जो पहली पोजीशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो दूसरी पोजीशन में क्या बन जाएगा? इमेज डिस्टेंस। और जो पहली पोजीशन में इमेज डिस्टेंस था वो दूसरी पोजीशन में बन जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं, यू एंड वी आर इंटरचेंजेबल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस अपने आप को बदल लेते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात आपको मालूम होनी चाहिए। और एक्स क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस। एक्स की बात करते हैं, एक्स क्या हो गया? लेंस का डिस्प्लेसमेंट। तो पहली पोजिशन में मैग्निफिकेशन कितना होगा? वी बाई यू। दूसरी पोजिशन में मैग्निफिकेशन कितना होगा? यू बाई वी, क्योंकि जो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था बाद में वो हो गया इमेज डिस्टेंस। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 इंटू m2 वी बाई यू इंटू यू बाई वी। तो ये कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। तो m1 m2 डिस्प्लेसमेंट मेथड में m1 m2 कितना होता है? 1। तो m1 है जब लेंस अपनी पहली पोजिशन में था और उसने ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, तब उस समय उसका मैग्निफिकेशन कितना था? m1। अब जब लेंस को दूसरी पोजीशन पे रखते हैं तब भी वो उसी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाता है? स्क्रीन पर बनाता है। तो m2 क्या है? लेंस की दूसरी पोजीशन में मैग्निफिकेशन। तो m1 इंटू m2 हमेशा क्या होता है? 1 होता है। और आप जानते हो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से, m1 इंटू m2 क्या हो गया? 1 इमेज साइज i1 अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। i1 का मतलब पहली बार लेंस पहली पोजिशन में जो इमेज बनाता है उसका साइज कितना है? i1। और दूसरी पोजीशन में जो इमेज बनाता है इमेज का साइज है i2। ओ का मत, ये जीरो मत पढ़िए, ओ है ऑब्जेक्ट साइज। तो i1 i2 इक्वल टू ओ स्क्वायर, इसलिए कहते हैं ओ इक्वल टू रूट ऑफ i1 इंटू i2। इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई किया। एक बार और देख लीजिए, ये बातें आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड पर याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करें। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, या एफ मिसिंग है तो एफ लिख लीजिए। चलिए मैं थोड़ा इसको कलरफुल कर देता हूं। एफ प्रोड्यूसेस एन इमेज 1/n टाइम्स दैट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंसेस, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंसेस। तो देखिए, सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर वन, एक लेंस कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है? वी बाई यू, जिसे हम बोलते हैं साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u, ठीक है। तो इस पूरे फॉर्मूले को आप v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, v की जगह आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? u से, मल्टीप्लाइड बाय u। तो ये हो जाएगा u बाय f, ये हो जाएगा u बाय v, ये हो जाएगा -1। अब u बाय f और u बाय v को हम लिख सकते हैं 1/m - 1, u by f प्लस 1 इक्वल टू 1/m। एलसीएम ले लीजिए, f u
प्लस एफ इक्वल टू वन बाय एम, तो मैग्निफिकेशन होगा, पलट लीजिए, एफ अपॉन एफ प्लस यू, एफ अपॉन एफ प्लस यू, एफ अपॉन एफ प्लस यू। तो ये फॉर्मूला अगर हमें मालूम हो तो हम ऐसे सवालों को बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन की बात हम कर रहे थे, तो मैग्निफिकेशन आ गया एफ अपॉन एफ प्लस यू। अब जनरली, अब यहां पर हम देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूसेस एन इमेज वन बाय एन टाइम्स, तो जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का वन बाय एन है। तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस तभी वर्चुअल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है, फोकस और पोल के बीच में होता है। और जब भी कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है तो उसका जो साइज होता है, वर्चुअल इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा होता है। तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ जो इमेज बनी है, जो वन बाय एन टाइम्स है, वो कैसी इमेज बनी है, रियल इमेज। तो रियल इमेज इज फॉर्म्ड, कंसेप्ट लगाई, रियल इमेज इज फॉर्म्ड, तो ये कंसेप्ट हमने यहाँ लगा दी कि रियल इमेज बनी है भैया, ठीक है। और रियल, फॉर रियल इमेज ये भी हम जानते हैं, फॉर रियल इमेज जो m होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो m दिया हुआ है, m दिया हुआ है माइनस वन बाय एन, फोकल लेंथ प्लस f, प्लस f। और जनरली हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, लेफ्ट में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस वन बाय एन इंटू एफ माइनस यू इक्वल टू प्लस f। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखिए माइनस एफ बाय एन प्लस यू बाय एन इक्वल टू एफ, तो यू बाय एन इक्वल टू एफ प्लस एफ बाय एन, तो यू इक्वल टू एन इंटू एफ प्लस एफ बाय एन, एन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन एफ प्लस एफ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एन से ये एन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया वो आया एन प्लस वन इंटू एफ। बहुत बढ़िया सवाल था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया, एन प्लस वन इंटू एफ। अब टिक करेंगे राइट आंसर पे, एन प्लस वन इंटू एफ, द थर्ड आंसर इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, और कंसेप्ट कैसे लगानी है, रिवाइज करिए, बार बार उसको सॉल्व करिए। आगे बढ़ते हैं, तो ये इस तरह से हमने सॉल्व करा, तो ये फॉर्मूला आपका बड़ा काम का है मैग्निफिकेशन का, तो इसको थोड़ा आप याद रखिए। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको नोट करिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। If the object is displaced through a distance of 20 cm towards the mirror, the displacement of image will be. तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा, 40 पर, मिरर की फोकल लेंथ कितनी, माइनस 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे और ये पता लगाएंगे कि इमेज कहाँ बनी। तो ये हो गया माइनस 1 बाय 15, वी तो मालूम नहीं है, निकालना है, और ये हो गया माइनस 1/40, तो ये उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/40 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v, 1/40 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v। तो सबसे पहले तो इमेज कहाँ बनी पहली कंडीशन में ये देख लो, तो 1/40 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v, LCM 40 इंटू 15, 15 माइनस 40, सिंपल करो, माइनस 25 अपॉन 40 इंटू 15 इक्वल टू 1/v, 3, 5, 5, 8, तो इमेज कहाँ बनी, माइनस 24 सेंटीमीटर पर, इमेज कहाँ बनी, माइनस 24 सेंटीमीटर पर।
-24 सेंटीमीटर पर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ सरकाते हैं, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो पहले ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे था, देखो आप, पहले ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे था, 40 सेंटीमीटर पर था। अब हमने इसको 20 सेंटीमीटर सरका दिया मिरर की तरफ, तो मान लो ऑब्जेक्ट की ये नई पोजीशन हो गई, 20 सेंटीमीटर सरका दिया, तो अब ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पे बचा, 20 सेंटीमीटर। तो फिर से आप मिरर फॉर्मूला यूज करो, 1/v + 1/u, फोकल लेंथ तो मालूम है 15। अब नया इमेज डिस्टेंस निकाल लो, ऑब्जेक्ट अब कितने डिस्टेंस पे आ गया, 20, तो 1/20 - 1/15 = 1/v' LCM 300, 15 - 20 1/v', तो ये आ गया -5/300 = 1/v', तो v' आ गया आपका -60, v' आ गया -60। तो देखिए इसका मतलब है कि पहले ऑब्जेक्ट इमेज कहां बन रही थी, 24 पर, अब इमेज कहां बन रही है, 60 पर। तो कुछ इस तरह से होगा, पहले इमेज कहां बनी थी, 24 पर, अब इमेज कहां बन रही है, i' 60 पर। तो भाई कितना सरकाया, कितना सरकाया होगा, तो इमेज कहां सरकी, पहले 24 सेंटीमीटर पर बन रही थी, अब बन रही है मिरर से कितने डिस्टेंस पर, 60 पर। तो इमेज सरक गई, कहां सरक गई, मिरर से दूर सरक गई, कितना सरक गई, 60 में से 24 को माइनस करो, 60 में से 24 को माइनस करो तो कितना मिलेगा, 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। तो इमेज कितनी सरक गई, एक मिनट, फिर से 60 से हमने 24 माइनस करा, तो इमेज कितनी सरक गई, 36 सेंटीमीटर। क्या लेंस की तरफ सरकी, नहीं, लेंस से क्या मिरर की तरफ सरकी, नहीं, मिरर से दूर हो गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल था, पहले क्या निकाला, पहले जब ऑब्जेक्ट 40 पे था तो इमेज कहां बनी, पता लग गया, फिर ऑब्जेक्ट को हमने सरका दिया 20 सेंटीमीटर, तो अब ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पे हो गया, 20 सेंटीमीटर, फिर पता लगाया तो इमेज कहां बनी, -60 पे। तो अब आप देखिए, पहले ऑब्जेक्ट इमेज था 24 पे, अब बन गई 60, तो इमेज सरक गई, कहां सरक गई, मिरर से दूर, मिरर से दूर। ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, हमें एक कॉलम बेस्ड क्वेश्चन की डिमांड करी थी आपने, ये थोड़ा यहाँ पे दिख नहीं रहा है डी ऑप्शन, कोई बात नहीं, मैं यहाँ आपको मैचिंग करके बता दूंगा, आप एक स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन नोट कर ले। मैच द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2 वेयर एम इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर। तो देखिए सबसे पहली बात, मैं यहाँ आपको मैच करके बता देता हूँ तो वो ज्यादा सही रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन क्या बताता है, इमेज क्या बनी, रियल, क्या बनी, रियल। तो ए की मैचिंग किससे हो जाएगी, आर से हो जाएगी, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन क्या है, -1/2, इमेज क्या है बनी, रियल बनी, पर मैग्निफिकेशन -1/2 का मतलब है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है और मैग्निफिकेशन एक से कम है, तो कॉन्वेक्स मिरर तो नहीं होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, तो इसकी जो मैचिंग होगी वो किससे होगी, कॉनकेव मिरर से। अब मैग्निफिकेशन क्या है, +2, इसका मतलब, प्लस का मतलब इमेज वर्चुअल है, मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा है, मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कॉनकेव मिरर में ऐसा हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जब भी इमेज बनती है उसका जो साइज होता है ऑब्जेक्ट साइज से छोटा ही होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर कभी भी मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो +2 को हम क्या कहेंगे, +2 की मैचिंग, वर्चुअल इमेज। अब बचा हमारा कौन सा, एक और वैल्यू बच रही है, ये देखिए,
प्लस 1/2, वर्चुअल इमेज बनी और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। तो कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज जब भी बनती है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट साइज से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये काम सिर्फ एक ही मिरर कर सकता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो मैचिंग में थोड़ा प्रैक्टिस की क्या होती है, जरूरत होती है, थोड़ा सावधान रहने की क्या है आपको इसमें जरूरत है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो ये आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, तो ये छुप गया, लेकिन आप यहाँ ऐसे ऐसे मैचिंग कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लें। अब देखिए, ग्लास स्लैब को हम क्या बोल सकते हैं, क्यूबॉइड। एन एयर बबल इन ए ग्लास स्लैब विद रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 नियर नॉर्मल इंसिडेंस इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस एंड 3 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज। तो देखिए, अब इसको सवाल को करते हैं। मान लीजिए ये आपका ग्लास स्लैब है, और ये एक एयर का बबल हो गया, ये देखिए ये एयर बबल हो गया। जब हम उसे 1 सेंटीमीटर एक फेस से देखते हैं, तब हमें लगता है कि वो 5 सेंटीमीटर गहरा है। तो ये जो 5 सेंटीमीटर देख रहे हैं हम, ये उसकी रियल डेप्थ नहीं होगी, वो उसकी क्या होगी, अपरेंट डेप्थ होगी। तो अब हम मान लें कि रियल डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ है डी, और इसकी साइड कितनी मान लेते हैं हम, थिकनेस कितनी मान लेते हैं टी। तो अगर ये टी में से डी गया तो ये कितना होगा, टी माइनस डी। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक फेस से रियल डेप्थ डी, अपर एंड डेप्थ 5, तो ये हो गया 1.5 डी अपॉन 5। तो रियल डेप्थ उसकी कितनी होगी, 7.5 सेंटीमीटर होगी। अब ये तो यहां से हमने देखा, अब हम दूसरी साइड से देखते हैं, तो रियल डेप्थ कितनी हो गई, टी माइनस डी अपॉन अपर एंड डेप्थ। अपर एंड डेप्थ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। कहा गया है कि कितनी सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। म्यू 1.5, ये 7.5, ये 3, 3 × 1.5 4.5, टी माइनस 7.5, 7.5 प्लस 4.5 इक्वल टू टी, 7 × 4 = 11, और ये तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, 12 इसका करेक्ट आंसर है। ये अच्छा सवाल है और ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। तो इसको हमने इस तरह से करा, इसको आप नोट कर सकते हैं, अच्छे से इसको आप नोट कर लीजिए। अब तो ये था रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 रिकैप सीरीज का। उम्मीद है आपका अच्छा रिवीजन हुआ होगा, और फिर आपसे मुलाकात होगी रिकैप सीरीज के आखिरी लेक्चर, लेक्चर नंबर रे ऑप्टिक्स के लास्ट लेक्चर रे ऑप्टिक्स 6 में। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपका रिवीजन में बहुत मदद मिली होगी इस सीरीज से। हमें बताइए हम आपके और क्या कर सकते हैं, और पढ़ते रहिए, इस बार पास होना है ये ठान लीजिए। फिर मिलेंगे, मुलाकातें जारी रहेंगी, और रे ऑप्टिक्स के 6 लेक्चर में फिर मिलेंगे, और फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।